तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से। यहाँ पे सबसे पहला फाइल मेन्यू दिया हुआ है। फाइल मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। न्यू, न्यू का यूज़ हम लोग नया पेज ओपन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है नेम। नेम के अंदर यहाँ पे आपको अपने नए पेज का जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। एज़ पर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे नाम देते हैं पेज वन। इसके नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो है, वेब है, अलग अलग इस तरीके से डॉक्यूमेंट टाइप है। यूएस पेपर के अंदर नॉर्मली लेटर, लीगल, इस तरीके से अलग अलग पेपर के साइजेस दिए हुए हैं। इंटरनेशनल पेपर के अंदर A4, A5, A6, A3 इस तरीके के साइजेस दिए हुए हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे फ़ोटो। फ़ोटो के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है लैंडस्केप और दूसरा है पोर्ट्रेट। अब ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है? लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल पेज और पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल पेज। वर्टिकल पेज मतलब उसके अंदर पेज का जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है और जो विड्थ होता है वो कम होता है, और लैंडस्केप के अंदर उसका उल्टा, विड्थ जो होता है वो ज़्यादा होता है और हाइट जो होता है वो कम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लैंडस्केप 2x3, इसमें आप देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो 3 है और हाइट है वो 2 है, मतलब ये जो पेपर है वो लंबा हो गया। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ पोर्ट्रेट 2x3 तो उसके अंदर विड्थ होता है 2 और हाइट होता है 3। तो इस तरीके से होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे आता है वेब। यहाँ पे वेब के रिलेटेड कुछ साइज़ दी है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को अगर वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट का कोई टेम्पलेट बनाना है और उसके लिए हमको अलग अलग साइजेस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो साइजेस में से आपको जो भी साइज़ का यूज़ करना है वो साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल ऐप डिज़ाइन दिया हुआ है। मोबाइल ऐप डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल का कोई एप्लीकेशन या मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर का कोई भी टेम्पलेट आपको डिज़ाइन करना है फोटोशॉप के अंदर, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस दी गई हैं। इसमें से आपको जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फिल्म एंड वीडियो। बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर अगर आपको कोई एडवर्टाइज डिज़ाइन करके रखना है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं, जिसमें से आप जो भी साइज़ यूज़ करना चाहते हैं वो साइज़ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइसनोग्राफी दिया हुआ है। जैसे कि आपने पहले देखा था मोबाइल एंड ऐप डिज़ाइन, आइसनोग्राफी वैसा ही है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैक आइकॉन या iOS इस तरीके के अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। और लास्ट में आता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के अंदर भी वेबसाइट या आईपॉड या एप्पल इस तरीके से अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। और उसके बाद आता है कस्टम। कस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको जो भी मनपसंद अपना खुद का कोई भी साइज डालना है तो आपको कस्टम का यूज़ करना होता है। यहाँ से आप कोई भी साइज़ डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट साइज़ लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप कोई भी साइज़ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है 10 और हाइट में करना है 15, तो इस तरीके से हम लोग साइज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, इस तरीके से यहाँ पे नीचे रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है।
अभी यहाँ पे आप देख रहे हो रिजोल्यूशन डाला हुआ है 300। 300 रिजोल्यूशन का यूज़ क्या होता है, आप जो भी डिज़ाइन बना रहे हो अगर उसका पर्पस प्रिंटिंग है तो आपको रिजोल्यूशन यूज़ करना है 300। अदरवाइज उसका पर्पस किसी भी स्क्रीन पे दिखाना हो, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट का कोई वेब पेज बनाना है या तो फिर मोबाइल का कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, तो आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन रखना होता है 72। तो रिजोल्यूशन जो होता है वो डिज़ाइन के पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मली यहाँ पे RGB ही यूज़ होता है। RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू। अगर प्रिंटिंग का यूज़ है तो CMYK के यूज़ होता है, साइन मैजेंटा येलो ब्लैक। इसी तरीके से दूसरे भी यहाँ पे कलर मोड दिए हुए हैं लेकिन नॉर्मली हमको RGB में ही यूज़ करना है इसको। इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट आपको वाइट ही रखना है, उसके अलावा अगर कोई और बैकग्राउंड कंटेंट आप अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ तो जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट रखना है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं, ज़ीरो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पूरा निकल जाएगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे यूज़ करना है वाइट। ये सब करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूँगा मेरा यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल के अंदर एक ऑप्शन दिया है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट से क्या होता है, रिसेंटली हमने जो भी फाइल ओपन की होंगी यहाँ पे उसका एक लिस्ट दिया होगा, तो आपको ओपन में जाके वो पाथ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी जगह से ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाके क्लोज ऑल करने पर जितने भी फाइल खुली होंगी वो सारी की सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। क्लोज के अंदर सिर्फ एक ही फाइल बंद होगी जो आपका ऑलरेडी रनिंग फाइल है, लेकिन क्लोज ऑल के अंदर जितनी भी फाइल ओपन है वो सारी की सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है सेव, उसके अंदर आप PSD यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर हम लोग JPEG, PNG अगर बैकग्राउंड का यूज़ नहीं है तो, और TIFF इनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इन फॉर्मेट में हम लोग फोटोशॉप में बनाई हुई कोई भी इमेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सेव एस। सेम एक और उसका अगर कॉपी बनाना है तो हम लोग सेव एस का यूज़ करेंगे। उसके बाद फाइल में यहाँ पे आपको रिवर्ट का ऑप्शन दिया गया है। रिवर्ट से क्या होता है कि फाइल ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर जितना भी वर्क किया है वो वर्क पूरा निकाल देना है। मुझे पूरा ओरिजिनल वाला अपना फाइल चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, फाइल में जाके यहाँ पे आपको रिवर्ट या तो फिर F12 कर देना है, ये आपको ओरिजिनल पेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लेस एम्बेडेड। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई दूसरी फाइल इसी इमेज के साथ में इसी फाइल के अंदर लाना है तो आप प्लेस एम्बेडेड का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करके प्लेस कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया। एंटर करने पे ये दो अलग अलग लेयर में आ चुका है। फाइल में आपको एक और ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। आप डायरेक्टली यहाँ से अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रिंटर के ऑप्शन होते हैं, वो सिलेक्ट करके आप नॉर्मली प्रिंट करना होता है।